ये देखिए, ये ऐसे लगाना है इसको कंपलसरी। अच्छा ठीक है। उसके ऊपर ये कांच रहेगा, ये हाँ ये कांच रहेगा कंपलसरी। ये 3 पॉइंट दिख रहा है आपको जी, ये 3 पॉइंट खाली जगह में ऐसे बिठा देना है सिर्फ। ये बैठ गया। अच्छा। देख लीजिए ये बैठ गया, ये परमानेंट रहेगा ये। हाँ, 3 पॉइंट ये। हाँ, 3 हाँ खाली जगह में बिठा देना है। अच्छा, ताकि ये नाचे। हाँ, ताकि ये घूमे। लेकिन अभी तो घूम नहीं रहा। नहीं नहीं, वो पावर से घूमे। पावर से घूमेगा। अच्छा, मतलब अगर ये ऊंचा नीचा रहा तो ये डिस्टर्ब हो सकता। हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा, चलेगा नहीं। अच्छा, वो खाली जगह में ही बैठना चाहिए। ये बैठ गया है। हाँ, ये बैठ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऑन हो गया। थोड़ा सा एक इसमें पानी ले लीजिए। नहीं बस, कभी भी खाली इसको यूज नहीं करना है। मतलब कुछ ना कुछ रख के खाली नहीं चलाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, ये ग्रिलिंग के लिए है। कोई भी चीज़ ग्रिल करते हैं, छोटा पीसेस जैसे आप वो कर रहे हैं मटन ग्रिलिंग, वो भी कर सकते हैं, या पनीर करते हैं, फ्रूट करते हैं ग्रिल, उसके लिए ये है। अच्छा, लगा के इसको भी कांच पे ही रखना है। कांच पे ही रखना। हाँ, और ये जो बाउल है, ये केक वगैरह या जो भी आपको पकाना है या बनाना है, ये सब में चलता है ये बाउल। ठीक है, एक प्लेट दी गई है, ये भी ग्रिल के लिए है। जो भी स्टील का है ये ग्रिल के लिए है। अच्छा, मतलब सामान रख के उस पे? वो ग्रिल के लिए है, मैं बता देता। छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये सिंगल ये रख दिया, रख सकते हैं। अच्छा। ग्रिल के पीसेस जो भी है आपके, इसे भी रख वो दिया। इसके ऊपर रखना है, और ज्यादा है तो आप दोनों रख सकते हैं ऊपर नीचे करके। हाँ, ऊपर नीचे करके दोनों रख सकते हैं। ठीक है ठीक है, ये दोनों भी रख, उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो भैया चाहे इससे यूज करें चाहे इससे यूज करें? नहीं, अगर खोसने वाले छोटे पीसेस हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें यूज करते हैं। अच्छा, और बड़े पीसेस हैं तो यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, चलिए, ये बिस्किट और नान खटाई बनाते हैं ना, उसके लिए है। अच्छा, ये प्लेट डायरेक्ट रखनी है इस पे। बिस्किट, नान खटाई, जो भी आपको बनाना है, पिज्जा में भी यूज करते हैं लोग। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। मतलब ये शीशे वाला रखना ही रखना है। हाँ, वो हर बार रखना है, हर बार रखना है। यहाँ से देख लीजिए आप, बटन कौन, ये एक बटन जो दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेकंड लिखा हुआ है। हाँ। आप यहाँ पे आ जाइए। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे 30 सेकंड लिखा हुआ है। जी। ठीक है, 30 सेकंड का दबाएंगे, कोई भी चीज आपको गर्म करनी है, कोई भी चीज, तो आप इसको दबाइए एक ही बार। एक बार दबाएंगे, 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा और वो चीज गर्म हो जाएगी, निकल आएगी। ज्यादा गर्म करना है तो 2 बार दबाइए, मतलब 60 सेकंड हो जाएगा। जब ये 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे तब दबाएंगे? नहीं नहीं, 30 सेकंड में गर्म हो जाएगा। कंटिन्यू आप दबाते जाएंगे, वो टाइम बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये टाइम। हाँ, टाइम को रीसेट करना हो तो हमें टाइम स्टॉप, मतलब कम करना है या मतलब कम ही करना है? तो ये रनिंग में ये भी दबाएंगे, डाउन का बटन। अच्छा, रनिंग में ये वाला दबाएंगे तो ये कम हो जाएगा, कम हो रहा है। ये दबाएंगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉप करना है बीच में तो ये स्टॉप का बटन। अच्छा, ये स्टॉप स्टॉप हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी? मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे चल रहा है हमने स्टॉप कर दिया। हाँ, स्टॉप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी खोल के देख सकते हैं। जैसे दाल वाल है 30 सेकंड में गर्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ गर्म हो गया। दाल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, आपकी ज्यादा क्वांटिटी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे एक कटोरी, दो कटोरी है, हाँ, इतना दाल हो इसमें तो 30 सेकंड, 30 सेकंड में गर्म हो जाएगा। 30 सेकंड मतलब इतना मैक्सिमम दाल हो। ये समझ में आया आपको? मैं चलूं एक बार? वो पहले समझ लो जी। हाँ, समझ ये समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया। उसके बाद ये सेलेक्ट बटन, क्लॉक, ये देख लीजिए, क्लॉक मीन्स 12:04 हो रहा है। हाँ।
तो ये सेट करने के लिए ये कोई काम का नहीं है, ये घड़ी के जैसा है। अच्छा अच्छा, मैं सेट भी कर दूंगा, जैसे कितना बजा है अभी, 1:42 क्लॉक 12 आवर सेलेक्ट, 1:00 सेलेक्ट 42 मिनट कर देते, 42 मिनट सेलेक्ट ये टाइम है। लेकिन आपका पावर जाएगा और आएगा तो वो 12 बजे से ही स्टार्ट होगा। अच्छा 12 बजे से स्टार्ट, मतलब टाइम से ये इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं, भूल जाइए आप। ठीक है ठीक है, ये बटन भूल जाइए। उसके बाद आपका मिलेगा माइक्रोवेव, कन्वेक्शन, ग्रिल, कॉम्बी, ये 4 फंक्शन आपका मेन है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। कन्वेक्शन केक के लिए है, कन्वेक्शन केक के लिए है। तो केक बनाने के लिए कैसा करना है, पहले प्री हीट करना पड़ता है। अच्छा। बॉडी को गर्म करना पड़ता है। प्री हीट करने के लिए कन्वेक्शन और स्टार्ट बटन दबाना है। अच्छा, कन्वेक्शन और स्टार्ट बटन। तो ये 5 मिनट गर्म होगा आपका जी। गर्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा, 180 डिग्री पे होगा ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद केक का मटेरियल रखना है जी। पहले नहीं रखना है, पहले नहीं रखना, पहले बॉडी गर्म कर लेनी है, पहले गर्म कर लेनी है। ठीक है, केक का मटेरियल रखने के बाद फिर से कन्वेक्शन दबाना है। अच्छा, फिर 180 डिग्री दिखा रहा है, कम ज्यादा करना है डिग्री को टेम्परेचर उसका। ठीक ठीक, तो कर सकते हैं, 200 तक लास्ट है। ठीक है, 40 से लेके 200 तक रख सकते हैं। 200 चाहिए तो सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद 0 लिखा हुआ आएगा। 0 मीन्स यहाँ से टाइम लेना है, यही बटन से। अच्छा ठीक है, तो ये क्या 2 मिनट, ये 2 मिनट हुआ। अब केक के लिए कम से कम 25-30-35 मिनट लगता है। अच्छा, तो केक की क्वांटिटी पे डिपेंड है वो, मतलब छोटा केक है, बड़ा केक है, उसके हिसाब से वो होता है। तो जो भी टाइम चाहिए आपको वो टाइम लीजिए, मैंने लिया 20 मिनट, और स्टार्ट बटन दबाइए तो 20 मिनट से काउंट होना शुरू हो जाएगा और 0 पे आके बंद हो जाएगा। 0 पे आके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब ग्रिल, ग्रिल मींस आप कोई भी चीज ग्रिल कर रहे हैं तो ग्रिल दबाइए, टाइम लगाइए और स्टार्ट बटन दबाइए। टाइम आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। आप 2 पीस रख रहे हैं तो एक बार अंदाज करना पड़ेगा आपको, अंदाज आ जाएगा एक बार तो आप खुद ब खुद दूसरी बार उतना रखेंगे तो उतना टाइम लगा देंगे। अच्छा, अमूमन जैसे हमें 8-10 पीस अगर पनीर वो करना है, रोस्टेड करना है, तो कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट, 8 मिनट भी लगता है। 5-7 मिनट, तो आप 5 मिनट लगाइए, नहीं हुआ फिर लगा दीजिए, तो बाद में आप उतनी क्वांटिटी रखेंगे तो डायरेक्ट 8 मिनट लगाएंगे। उसके लिए हमें पहले करना ग्रिल, एक पहले समझ लीजिए पूरा सर, फिर क्वेश्चन आपको मैं पूरा उत्तर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। माइक्रोवेव, ग्रिल समझ में आया, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में आपका जैसे राइस बनाना है जी, इडली बनाना है या पोहा बनाना है या ढोसा बनाना है, कुछ भी बनाना है तो ये माइक्रोवेव में पकेगा। चाय बनानी है, कॉफी बनाना है, सब माइक्रोवेव में ही होगा। माइक्रोवेव दबाएंगे, माइक्रोवेव 900 वाट सेलेक्ट करना है। हाँ अभी आते हैं। इडली के लिए 5 मिनट है, चाय के लिए 2-3 मिनट, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, और राइस के लिए 12-15-20 मिनट, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, 2 आदमी का है, 3 आदमी का, जैसा आप राइस रखेंगे, पानी रहेगा, वैसा टाइम लेगा वो, तो उस हिसाब से स्टार्ट करना है। ठीक है, कॉम्बी, कॉम्बी 2 फंक्शन एक साथ में चलेगा। अच्छा। कॉम्बी 2 फंक्शन एक साथ में चलता है, मतलब कोई कोई केक ऐसा होता है जिसमें माइक्रोवेव भी चाहिए और कन्वेक्शन भी चाहिए। अच्छा। साथ में चाहिए तो ये बटन दबाना है। अच्छा। तो यहाँ पे दिखाएगा ग्रिल और सिंबल दिखा रहा है, देखिए माइक्रो भी है, माइक्रो भी है। ठीक है, अभी ग्रिल नहीं चाहिए आपको, कन्वेक्शन चाहिए, तो यहाँ से चेंज करिए इसको,
चेंज हो गया, ग्रिल कट हो गया। कहाँ ग्रिल कट हुआ? अच्छा ग्रिल कट हो गया, कन्वेक्शन आ गया। दो बार सेलेक्ट करिए, तीन बार जीरो आएगा, टाइमिंग लगाइए कितनी देर का हमें टाइम। हाँ, उसके बाद स्टार्ट करिए। ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे छः बटन आपका रह गया है, छः बटन जो बाकी रह गया है आपका। तो ये इसमें से एक पावर डिफ्रॉस और डिओडराइजेशन, डिओडराइजेशन मतलब अंदर कुछ बनाया आपने और स्मेल रह जाती है जी, तो वो निकालने के लिए है। ये खाली आपको दबाना है, 5 मिनट का खुद ब खुद टाइमिंग है उसमें। अच्छा। खाली एक बार सिर्फ दबा देना है, वो स्मेल निकालेगा। ज़्यादा स्मेल है तो बाउल में थोड़ा पानी लेके आधा नींबू डाल के फिर रख देना है। रख देना है और फिर क्या स्टार्ट करना है? ये बटन दबा देना है। अच्छा। ये स्मेल निकालने के लिए है, डिओडराइजेशन। ठीक है, ठीक। अब पावर डिफ्रॉस्ट, पावर डिफ्रॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाकी का पूरा पांचों बटन यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर डिफ्रॉस्ट, जैसे फ्रिज से आपने कुछ निकाला, ठंडा उसकी ठंडक खत्म करने के लिए है। फ्रूट है, ब्रेड एंड केक, मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, पांच चीज़ें हैं। समझो आपको ब्रेड एंड केक या फ्रूट लेना है, समझो आपको फ्रूट ये करना है, तो पांच नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, पावर डिफ्रॉस्ट बटन दबाइए, पांच नंबर लगाइए यहाँ से और सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको वजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, 100 ग्राम का है, अंदाज एक बता रहा हूँ मैं, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 200 है तो बढ़ा दीजिए। अच्छा, ठीक। वो ग्राम के हिसाब से टाइम खुद ब खुद ले लेगा, स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, मतलब कोई चीज़ हमने फ्रिज से निकाली, हमें वो ठंडा उसे गर्म करना है, उसका वेट एक अप्रॉक्स देख लिया कि हमें 100-150 ग्राम है तो हमने डाल दिया, उतना हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया था आपने? सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट। ये कौन सा था? पावर डिफ्रॉस्ट। यहाँ से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। चार बटन है, अब यहाँ से आपको देखना है कि मुझको क्या चाहिए, क्या बनाना है। चलो तुम आ चलो। समझो मैं पिज्जा दिखा देता हूँ आपको, इसमें शायद दिया होगा तो। अच्छा, पोटैटो भी फ्राई रोस्टेड हो जाए, तंदूरी है, आलू भी रोस्टेड हो जाएगा इसमें। इसके लिए फिर हमें इसमें क्या प्रोसेस इसमें डालना पड़ेगा, इसको भूनने के लिए ना? हाँ, वो भट्टी जैसा हो जाता है, आप रख दीजिए, भून जाएगा आलू। इसमें से कोई भी चॉइस करिए, रोटी नान है, डब प्रूफ है। ये बताइए, मैं जैसे आलू ही बताइए, पनीर या कुछ आलू ऐसा कुछ हो। देखिए आप नंबर बताइए, डिश चॉइस करके नंबर बताइए सर। क्या है दीदी इसमें? पनीर तो इसमें दिख नहीं रहा दीदी, कहाँ है? देखिए देखो, पनीर पकौड़ा। हाँ, पनीर पकौड़ा है। कितना नंबर पे है? 1 1 8 है क्या? हाँ देखिए ना। हाँ 1 8 है। अच्छा, 1.8। हाँ 1.8। कौन से फंक्शन में है? स्लिम फ्राई में है। हाँ। तो स्लिम फ्राई का बटन दबाना है, पहला शब्द बराबर है, पहला शब्द बराबर होने के बाद में सेलेक्ट कर लेना है, इसको 8 करना है, 8। अच्छा। सेलेक्ट स्टार्ट, 10 मिनट में बनेगा। अच्छा, टाइम खुद ब खुद लेगा, वहाँ से जो भी आप लेंगे वो मेमराइज है, ऑटो कुक बोलते हैं उसको। अच्छा, ऑटो कुक है। अच्छा, ये जो लिखा है ये ऑटो कुक, ऑटो कुक में है, चार बटन आपका ऑटो कुक। ये चीज हम इसपे भी कर सकते हैं, इसपे भी कर सकते हैं? नहीं, इसपे नहीं कर सकते। नहीं, देखिए आप और कुछ भी लगा के देखिए। नहीं, वो चीज हम समझ गए। चलिए ठीक है, वो ये जैसे हम पनीर बनाना है तो पनीर को किसमें?